गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज आप क्लास 8 हिंदी कोर्स बुक का जो एक्सरसाइज 5 जो हमने डील किया था, ये चैप्टर पितृ भक्ति, शायद आप लोग कहानी भी समझ गए होंगे। अब इसमें जो टिकआउट है, वांचुंग कहाँ रहता था, तो वांचुंग जो है वो इसमें हम देख लेंगे कलियांग प्रांत के एक गांव में। फोन नंबर, बूढ़े व्यक्तियों को पहाड़ों पर अकेले छोड़ देने से क्या होता है कि वे भूखे प्यासे तथा बीमार होकर मर जाते हैं। फोन नंबर, सांचुंग अपने पिता को पहाड़ों पर कैसे ले गया अपनी पीठ पर बैठाकर। फोन नंबर, सांचुंग लौटते समय रास्ता न भूले इसके लिए पिता ने क्या किया, तो रास्ते में पेड़ की छोटी छोटी टहनियां डालता है। फोन नंबर, सांचुंग की आंखों में आंसू क्यों आ गए, पिता का अपने प्रति अगाध प्रेम देखकर, या यही कौन नंबर में आप टिक लगा। ठीक है, अब आ जाइए कौन नंबर, चार नंबर का एक और दो नंबर ये पहले कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही कुछ आगे करना है। तो चार नंबर का एक देखिए, चार नंबर का एक है प्राचीन, उसका लिख देंगे नवीन, जन्म लिखेंगे मृत्यु, मूर्ख ज्ञानी या विद्वान भी लिख सकते हैं, धरती अंबर, और निंदनीय ऐसे भी लिख सकते हैं, सुरक्षित और सुरक्षित, उसके बाद भूलना याद करना, उसके बाद उपस्थिति अनुपस्थिति अनुपस्थिति, दंड कठिन सरल। ठीक है, ये आप लिख लिए। अब है दो नंबर में पर्यायवाची शब्द लिखना है, जो आप आसानी से लिख लेंगे, पहाड़ का, पर्वत और गिरी, प्रशंसा का, तारीफ लिख देंगे, उसके बाद एक शब्द आप हिंदी लैंग्वेज में भी कोई भी एक शब्द जोड़ सकेंगे। रात का होगा रजनी और निराचा, रात का होगा रजनी और निशा, पुरस्कार का इनाम तोहफा, जमीन का भूमि, भूमि लिख देंगे, उसके साथ साथ हम धरा भी दे सकते हैं, आँख का लिखेंगे नयन और नेत्र, घर का लिखेंगे गृह और निकेतन या शाला, भोजन का लिखेंगे खाना या खाद्य लिख देंगे खाद्य। ठीक है, खोआकर दोयो संदूक हम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आहार दे दीजिए, आहार सबसे बढ़िया होगा, भोजन का लिख देंगे खाना और आहार। ठीक है, इसको आप बढ़िया से भर लीजिएगा, और 1, 2, 4 हम सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन आंसर लिखाए हैं इस क्लास में, क्लास 8 का, तो क्वेश्चन आंसर तो शायद आप लिख लिए होंगे, पहले 1, 2, 4 का हम आपका क्या बोलते हैं पीडीएफ बना करके कल शाम तक हम ग्रुप में डालेंगे, तो आप जो पीडीएफ देखेंगे उससे पहले जितना भी नोट्स किए हैं उससे मैच कर लेंगे, फिर आगे वाला जो ये चैप्टर 5 है और चैप्टर 6 का, हम एक साथ दोनों चैप्टर का फिर से आपका पीडीएफ बना करके आगे डालेंगे। कब क्या करेंगे सब आपको बताया जाएगा, फिलहाल आप तैयारी जो है अपना मत छोड़िए, विधिवत जब आपको समय मिले तो आप समय पर, समय के अनुसार आप अपना काम विधिवत रूप से किया है। ओके, अब है चैप्टर 6, आ जाइए सच्चा तीर्थ यात्री। इसमें आप ये जानेंगे
इसमें हम कम से कम आधा पढ़ा देते हैं। ये लिखे हैं लियो टॉल्स्टॉय। इनका जन्म सन 1828 में रूस के संपन्न परिवार में हुआ था। ये 19वीं सदी के सर्वाधिक सम्मानित लेखकों में से एक है। इनके उपन्यास युद्ध और शांति तथा आन्ना करेनिना साहित्य जगत की विशेष रचनाएं हैं। इन्होंने अनेक कहानियां भी लिखी जिनका अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया। इनकी रचनाओं से त्याग प्रेम करना ईश्वर प्रेम का संदेश मिलता है। तो इसके बारे में आप ठीक से पढ़ेंगे तो इसमें आप ये भी सीखेंगे कि मानव सेवा ही सच्ची तीर्थ यात्रा है। एक्सरसाइज 6 है, सदा प्रसन्न रहने वाला एलिशा यरूशलम की यात्रा के लिए चला। रास्ते में गरीब और बीमार परिवार की सेवा में लगा तो यात्रा भी नहीं कर पाया, परंतु कैसे एफिम को मिले संकेत से यह स्पष्ट हो गया कि वास्तव में ईश्वर की निकटता तथा सच्ची यात्रा एलिशा ने ही की। यही जानेंगे। किसी समय रूस के एक गांव में एफिम और एलिशा नाम के दो वृद्ध व्यक्ति रहते थे। वे दोनों घनिष्ठ मित्र थे। एफिम एक धनी गंभीर और विचारवान व्यक्ति था। वह अपने परिवार की देखभाल बड़े ध्यान से करता था। एलिशा न धनवान था न निर्धन। वह मधुमक्खी पालन कर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। वह बड़ा दयालु और प्रसन्नचित व्यक्ति था। वह अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ बड़े प्रेम और शांति से रहता था। बहुत पहले दोनों मित्रों ने साथ साथ तीर्थ यात्रा पर यरूशलम जाने की प्रतिज्ञा की थी। एलिशा तो सदा चलने को तैयार रहता परंतु एफिम को समय न मिल पाता था। उसके पास सदैव कुछ न कुछ काम रहता। एक काम समाप्त होता तो दूसरा काम शुरू हो जाता। एक दिन एलिशा ने जोर देते हुए कहा, क्यों मित्र, हम अपनी प्रतिज्ञा कब पूरी करेंगे? तो एफिम का चेहरा उदास हो गया। वह बोला, अभी हमें प्रतीक्षा करनी होगी, मेरे पास यात्रा के लिए पैसा नहीं है। तो एलिशा हंसकर बोला, तुम्हारे पास मुझसे 10 गुना अधिक धन है और फिर भी तुम ऐसी बात करते हो। आत्मा के लिए पवित्रता से बढ़कर और कुछ नहीं। तीर्थ यात्रा से आत्मा पवित्र होती है। हमने तीर्थ यात्रा की प्रतिज्ञा की है, अतः हमें अवश्य चलना चाहिए। अंत में एलिशा अपने मित्र को समझाने में सफल हो गया। एफिम ने अपने साथ बहुत सा धन लिया। एलिशा ने सिर्फ उतना ही लिया जितना आवश्यक था। एफिम ने अपने पुत्र को प्रत्येक कार्य के संबंध में निश्चित आदेश दिए और दूसरी ओर एलिशा ने घर के मामलों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। मतलब दोनों अलग अलग प्रवृत्ति का था और प्रसन्न मन से तीर्थ यात्रा के लिए चल पड़ा। एफिम के मन में शांति न थी। उसे हर समय अपने घर की चिंता लगी रहती थी। चलते चलते दोनों मित्र एक छोटे से गांव में पहुंचे। उस गांव में अनावृष्टि से त्राही त्राही मची हुई थी। कोहरा मचा हुआ था, शोरगुल मचा हुआ था, लोग भूखों मर रहे थे। दोनों मित्र रात बिताने के लिए झोपड़ी की ओर चले। उन्हें झोपड़ी में से लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उन्होंने दरवाजा खटखटाया परंतु किसी ने ना सुना। एलिशा के धक्का देते ही द्वार खुल गया और वे अंदर घुस गए। झोपड़ी का वातावरण बहुत ही दुर्गंधपूर्ण था क्योंकि एक स्त्री जमीन पर मरणासन्न अवस्था में पड़ी थी। स्त्री ने पूछा, आप लोग कौन हैं, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। उसी समय एक बच्चा बोला, बाबा हम भूखे हैं, हमें रोटी दो। ध्यान दीजिएगा, हमें तभी लड़खड़ाता हुआ एक मनुष्य आया और वहीं गिर पड़ा। वह बोला, रोग और भूखमरी ने हमें घेर रखा है, मेरा पुत्र भूख से मर रहा है। एलिशा ने अपना थैला खोला, उसमें से एक रोटी लड़के की ओर बढ़ाई। लड़का रोटी पर टूट पड़ा। देखते ही देखते उसने उसे साफ कर दिया। उस स्त्री और पुरुष को भी उसने दो दो रोटियां खाने को दी। फिर एक कुएं से पानी भरकर लाया और उन्हें पिलाया। एफिम झोपड़ी के बाहर बैठा था। एलिशा ने उसे सारा हाल का सुनाया। एफिम बोला, क्या हम इस गंदी झोपड़ी में ही रुके रहेंगे? ऐसा किया तो हम लोग ही बीमार हो जाएंगे। फिर हमें तो यरूशलम पहुंचना है, व्यर्थ में समय नष्ट करना ठीक न हो। एलिशा ने उत्तर दिया, मित्र आप चलें, मैं इन लोगों को ऐसी दशा में छोड़कर नहीं जा सकता और मुझे कुछ समय तक इन लोगों की सेवा करनी ही होगी। एफिम अकेला ही चल गया। एलिशा ने सारी रात उस घर के तीनों प्राणियों की देखभाल की और सवेरा होते ही उसने घर की सफाई की, चूल्हा जलाया, भोजन पकाया, घर के लिए जो आवश्यक चीज़ें थी उन्हें स्वयं ही मोल ले आया क्योंकि झोपड़ी में कुछ भी ना था। घर के लोगों ने अपना पेट भरने के लिए एक एक करके घर की सारी चीज़ें बेच दी थी। एक दिन, दो दिन और फिर 3 दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आता था कि क्या करें। एक और वह सोचता था कि मुझे जाना चाहिए, दूसरी ओर उन लोगों की दशा देखकर उनका हृदय भर आता।
ठीक है। तो नर सेवा जो है दीनहीन मनुष्यों की सेवा करना ही सबसे बड़ा तीर्थ है। तो उनकी सेवा से धीरे धीरे उन तीनों प्राणियों में शक्ति आ रही थी, अतः एलिशा उन लोगों के साथी रुक गया और उसने उन लोगों के दूध के लिए एक गाय और उनका खेत जोड़ने के लिए घोड़ा खरीदा, साथ ही अगली फसल तक के लिए उनके लिए अनाज खरीद कर रख दिया। तो फिलहाल इतना ही अभी आप इसको पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर का कम से कम वर्ड मीनिंग आप क्लियर कर लेंगे एक्सरसाइज 6 का। तो SW लिखेंगे रीड नाइसली एक्सरसाइज 6 एंड लर्न इट वर्ड मीनिंग। इतना काम आप करके रखेंगे, फिर हम आगे आपको इसका आधा ये कहानी को पूरा करके इसका सारा चीज ग्रामर पर्सन, ग्रामर पर्सन तो कोई खास है नहीं, थोड़ा बहुत है ये हम आपको बता देंगे, और ये दोनों चैप्टर का फिर से नया PDF बनाकर हम फिर से उसको अलग डालेंगे, वो भी लेटेस्ट सैटरडे से संडे तक हम डाल देंगे। अभी फिलहाल 1-4 लेसन का जो PDF हम फिर से भेज रहे हैं, इसलिए भेज रहे हैं कि जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो PDF के माध्यम से लिख सकते हैं, या जिस जहाँ मान लीजिए कि नेट की सुविधा नहीं है, नेटवर्क कम रहता है, तो वो उसको डाउनलोड करके अपना विधिवत नोट्स कर सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।